लद्दाख में एलएसी पर चीन की हेकड़ी हवा हो गई। भारत की कूटनीति और दबाव के बाद हुए समझौते के तहत चीन ने पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे से अपने टैंक फिंगर 8 तक वापस पीछे खींचने शुरू कर दिए। आमने सामने की मोर्चाबंदी से हटकर भारतीय टैंक भी फिंगर 4 तक वापस आ रहे हैं। एलएसी पर इस डिस एंगेजमेंट को भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, जिसके तहत एलएसी पर पेंगोंग झील से चीनी टैंकों की वापसी शुरू हो गई। पेंगोंग झील से चीनी सेना का पहले टैंक फिंगर 8 की ओर गया, इसके बाद चीन की सेना का दूसरा टैंक भी पीछे की ओर चला गया। एक के बाद एक टैंकों की वापसी के साथ पेंगोंग झील पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय सेना के टैंक फिंगर 3 के लिए मुड़ गए। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच गतिरोध खत्म करने के तहत टैंकों को पीछे किया जा रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने से पहले भारत और चीन की सेना के लोकल कमांडर्स की मीटिंग हुई, जिसके बाद पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे से दोनों देशों ने अपने टैंकों को पीछे करना शुरू कर दिया। दोनों देशों ने दक्षिण किनारे पर बड़ी संख्या में टैंकों की तैनाती की थी, लेकिन अब टैंकों के साथ ही कॉम्बैट व्हीकल को भी पीछे हटाना शुरू कर दिया है। पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से टैंकों को पीछे करने के अलावा उत्तरी किनारे से सैनिकों की संख्या कम की जा रही है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से तनातनी जारी है, लेकिन सैन्य स्तर के 9वें दौर की बैठक में बनी सहमति के बाद पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से दोनों देश सेना पीछे हटाने को राजी हो गए हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पेंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। जानकारों के मुताबिक एलएसी पर पीछे हटने का जो समझौता भारत और चीन के बीच हुआ है, उसके बाद भारत फिंगर 8 तक गश्त कर सकेगा, जबकि चीन अपने कदम फिंगर 4 तक रखेगा। यानी दोनों देशों ने अपने अपने कदम पीछे खींच लिए। जानकार मान रहे हैं कि इस समझौते के तहत एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल हो गई है, यानी भारत के जवान फिंगर 3 पर मौजूद अपने बेस में रहेंगे और चीनी सैनिक फिंगर 8 के पूर्व में रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे दोनों देशों के बीच मौजूद तनातनी खत्म हो जाएगी। लोकसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी के मौजूदा हालात के बारे में जानकारी दी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने संसद में रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उनको एलएसी पर डिस एंगेजमेंट के बारे में जानकारी दी। ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा एनएसए श्री अजीत डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत भी शामिल है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए, ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी
पुनः स्थापित हो सके। कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा तेज बना हुआ है अध्यक्ष। और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। किसान आंदोलन और कृषि बिल को लेकर लोकसभा में राहुल गांधी का रौद्र रूप नजर आया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और इस दौरान सदन में माहौल गर्म हो गया। उनके भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं राहुल गांधी ने कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोला। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। हालांकि स्पीकर ने इसे सदन की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए नाराजगी जाहिर की। राहुल अपने भाषण के बाद सदन से बाहर चले गए, लेकिन इससे पहले मोदी सरकार पर वो तीखा हमला बोल गए। कांग्रेस पार्टी बैठक नहीं है, फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा। हम दो, हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात। आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं। आप बजट पर चर्चा कर लें। बजट पे कर रहा हूं सर, बजट पे आ रहा हूं। 4 लोग चलाते हैं। हम दो और हमारे दो। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो, आप बोलो। आप हम दो हमारे दो। ये किसकी सरकार है? हम दो हमारे दो। पहले कानून का इंटेंट सदस्य आप कि हमारे दो मित्रों में से एक तो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाखों लोग उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज फल और मनोपली ले जाइए। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। और अगर बजट पे चल साइलों में रखेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये 3 ऑप्शन आपने दिए हैं। किसान आंदोलन पर कांग्रेस का रुख आक्रामक है, तो वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर किसान भी डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर आखिरकार चल क्या रहा है? सबके जहन में सवाल तो यही है कि आखिरकार ये आंदोलन कब अपने मुकाम तक पहुंचेगा? क्या वाकई किसान जो मांग रहे हैं वो उन्हें मिल पाएगा या नहीं? लेकिन हम आपको रोज तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत नहीं है, वो एक महापंचायत में गए हैं। लेकिन जब वो नहीं होते हैं तब हमने आपको दिखाया है कि जो किसानों की संख्या होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। पहले मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाऊं। देखिए, दिन का समय है और शाम होने को है, क्योंकि लंच जो है वो काफी देर तक यहाँ चलता है। किसान आते रहते हैं, खाते रहते हैं और फिर यहाँ से जाते रहते हैं। तो चावल बने हैं यहाँ पर, उसके साथ
दाल है और यहाँ पर देखिए यहाँ ये पकोड़े का इंतजाम है और गुड़ जो है उसके साथ में वहाँ पर रखा गया है, पकोड़ों के साथ दिया जा रहा है। तमाम किसान जो हैं दूर दूर से आ रहे हैं। उधर देखिए चने भी आपको यहाँ नजर आएंगे और उसके साथ साथ शाम होते ही यहाँ चाय का जो इंतजाम है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तस्वीर साथ साथ दिखाता रहूं और एक बार मैं इधर की तरफ चाहूंगा कि एक बार कैमरा हम पैन करें तो वहां सामने दिखाएं, तो आप देखिए जो आवाजाही है वो किस तरह से यहाँ पर किसानों की चल रही है। यहाँ से जब हम ठीक ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो मंच है जहाँ पर संबोधन चलता है, लेकिन आज क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि राकेश टिकैत नहीं है तो उस लिहाज से जो संख्या है कम जरूर हो जाती है। वहीं मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ गाजीपुर बॉर्डर की। यहाँ पर एक पाठशाला चल रही है, ये छोटी सी पाठशाला है लेकिन ये बड़ा काम कर रही है। विद्यालय राष्ट्र की निर्माण शाला है। सामने बोर्ड पर लिखा है ABCDEFGH अल्फाबेट्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं और ये वो बच्चे हैं जो या तो किसान परिवारों के साथ आए हैं या फिर आसपास की स्लम बस्ती में रहते हैं और उनको यहाँ पर मुफ्त पढ़ाई शिक्षा कराई जा रही है। और ये कराने वाले कौन लोग हैं वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक बार तस्वीर ये दिखा दूं। देखिए गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर क्या है, कई जो स्लोगन है हमें यहाँ नजर आते हैं। ऊपर देखिए, जिधर भी देखता हूँ उधर बेईमान खड़े हैं, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर, सड़क पर किसान खड़े हैं। इस तरह के स्लोगन जो हैं वो लगातार नजर आते हैं उस पाठशाला में भी। इस तरह के देखिए ये स्लोगन आपको यहाँ नजर आएंगे। पाठशाला के भीतर चलते हैं, क्या कुछ पढ़ाई चल रही है वो जरूर कोशिश करेंगे जानने की और समझने की। थोड़ा बहुत हालांकि हमें इंटरप्ट इनकी पढ़ाई में जरूर करना होगा, लेकिन हम इनकी जो टीचर हैं उनसे यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम निर्देश सिंह है। ये जो पाठशाला चल रही है आप चलाते? हाँ, हम लोग टीम वर्क है, हमारा पूरी टीम। क्या चल रहा है, कौन ये बच्चे हैं, स्लम बस्ती के भी हैं, किसानों के बच्चे भी हैं? देखिए यहाँ पर किसानों के बच्चे तो अब कम हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं पूरा दिन भर अब क्लासेस स्लम एरियाज के बच्चों के लिए हैं, तो सुबह से शाम तक यहाँ पर क्लासे रहती है, बैच है, और पूरा दिन भर हम लोग इन्हीं बच्चों के लिए यहाँ पर शाम को 7 बजे तक यहाँ अवेलेबल है। सुबह 8 से शाम के 7 तक हम लोग यहाँ बच्चों को क्लासे देते हैं। क्यों? किसान नेता ऐलान कर चुके हैं कि 18 फरवरी से आंदोलन और तेज होगा। देश भर में रेल रोकने का ऐलान भी किया गया है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर क्या हाल है, देखिए हमारे संवाददाता सुमित दुबे की रिपोर्ट। इस वक्त दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर है, वही बॉर्डर जो कि इस पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया है। आप देख सकते हैं ये रास्ता जाता है सिंघू बॉर्डर के लिए, उस जगह के लिए जहां पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मुस्तैद हैं, सीमेंट्स की बैरिकेडिंग कर दी गई है और इस पॉइंट से आगे मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। दरअसल पुलिस की तरफ से ये सारे स्टेप उठाए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से लाल किले पर हिंसा हुई थी 26 जनवरी के दिन, उसके बाद से ये व्यवस्था इस तरीके से चाक चौबंद की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसके तहत तमाम यूनियंस इकट्ठी मीटिंग करती हैं, उनकी तरफ से भी अब कहा गया है कि जिस तरीके से आंदोलन को अब इंटेंसिफाई किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, कई सारे नए कार्यक्रम डिसाइड किए गए हैं किसानों की तरफ से, जिसमें कि रेल रोको अभियान भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी टोल प्लाजाज को फ्री करने की बात कही गई है। इस तरीके के फैसले किसानों की मीटिंग में लिए गए हैं। इसके अलावा 14 फरवरी के दिन, वो दिन जिस दिन पुलवामा में देश के जवान शहीद हुए थे 2 साल पहले, उस दिन भी किसान मोर्चे की तरफ से ऐलान किया गया है कि देश भर में मोमबत्ती जुलूस और मशाल जुलूस निकाला जाएगा। शायद ये कोशिश है अपनी इमेज को सुधारने की, जो कि 26 जनवरी के दिन लाल किले वाली घटना से थोड़ी सी बिगड़ गई है। बहरहाल सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला है, यानी कोई भी बातचीत अभी नहीं होनी है और हालात अभी भी जस के तस है, गतिरोध बरकरार है। किसान टिके हुए हैं अपनी मांगों पर, धरने पर जमे हुए हैं और सरकार ने भी पुलिस के जरिए उनको दिल्ली में आगे बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए हुए हैं। किसानों को लेकर संसद में राहुल गांधी हमलावर दिखे, तो वहीं प्रयागराज में प्रियंका गांधी ने मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान किया। चर्चा है कि कांग्रेस की रणनीति प्रियंका गांधी की हिंदूवादी छवि पेश करने की, और प्रयागराज में गंगा के बीच खड़ी प्रियंका गांधी की इन तस्वीरों से ये बात काफी हद तक साफ भी हो गई। प्रियंका ने बेटी मिराया के साथ संगम नगरी वो प्रयागराज पहुंची और संगम में डुबकी लगाई। ये लगातार दूसरा दिन है जब प्रियंका ने अपनी हिंदूवादी छवि पेश की। एक दिन पहले सहारनपुर में उन्होंने मंदिर में दर्शन किए थे और किसान महापंचायत के दौरान भी गले में भगवा डाले हुए नजर आई। नाव में बैठकर प्रियंका गांधी संगम पहुंची। ये तस्वीरें यूपी में कांग्रेस की बदलती हुई रणनीति की ओर संकेत कर रही है।
हालांकि प्रयागराज से गांधी नेहरू परिवार का रिश्ता है, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी की चुनावी जिम्मेदारी संभाल रही प्रियंका ने सोच समझकर मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करने का फैसला किया। इस दौरान प्रियंका ने शंकराचार्य से भी मुलाकात की। इससे पहले प्रियंका नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास आनंद भवन भी गईं, जहां उन्होंने अपने परदादा और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल पर पुष्प अर्पित किए। खुशी हुई क्योंकि शंकराचार्य जी और मेरे परिवार के साथ का पुराना 1990 में जब पिताजी चुनाव हारे थे और नए घर में प्रवेश किया था, उन्होंने तो हमारी गृह प्रवेश की पूजा शंकराचार्य जी ने ही की थी, तो तब से हमारा रिश्ता चला आ रहा है, हमेशा संपर्क में रहती हूँ, आज मौका मिला उनसे मिलने के लिए। इधर बीजेपी ने प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे पर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रियंका पर किसान आंदोलन को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। गरीबी देखा नहीं, जिस राहुल गांधी ने उनके भाई रात को कलावती के घर में गरीबी सीखने गए हो और वो नसीहत नरेंद्र मोदी को देंगे, जो गरीब के घर में पैदा हुआ, चाय बेचा, वो गरीबी की पीड़ा जानता है। जिस हमारे बिहार की कहावत है, जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई, इसलिए नसीहत की जरूरत नहीं है, वो किसानों के बीच पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए गई है। जब लॉकडाउन था तो उनके भाई फोटो सेशन कर रहे थे, ये फोटो सेशन है। महाराष्ट्र में सरकार और राज्यपाल के बीच तनातनी बढ़ गई। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद एक बार फिर बढ़ गया है। सरकार ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हवाई यात्रा के लिए चार्टर्ड प्लेन देने से इनकार कर दिया। मशहूर हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लार्ज स्केल यूज के लिए मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने अपने बयान में कहा कि ये वैक्सीन 65 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए भी सुरक्षित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस पर पीएम मोदी ने संबोधित किया, कहा हमारे लिए राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति है और हमारी पार्टी बीजेपी में वंशवाद के लिए कोई जगह नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अब कभी भी ट्विटर पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नेट सेगल ने बताया कि ट्रंप का निलंबन वापस नहीं होगा। कई दिनों के बाद गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 222 अंक उछलकर 51,531 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 66 अंक ऊपर 15,173 पर बंद हुआ। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पुलिस की पूछताछ जारी। बताया जा रहा कि दीप सिद्धू ने पुलिस के सामने कई बड़े राज खोले। ये वो चेहरे हैं जिसने 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा फैलाकर देश के गौरव को, देश के सम्मान को तार तार कर दिया। जब इस हिंसा का पर्दाफाश हुआ तो आरोपी भगोड़े बन गए, लेकिन हिंसा के कुछ ही दिन बाद दिल्ली पुलिस के हाथ इन भगोड़ों की गर्दन तक पहुँच गए। लाल किला कांड के कलंक कथा के आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और हर राज से पर्दा उठा रहे हैं। दीप सिद्धू ने कहा, दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की साजिश परेड निकलने के 15 दिन पहले ही रची गई थी। हालांकि पुलिस ने कहा कि दीप सिद्धू की ओर से लगाए गए आरोपों और किए गए खुलासों का सत्यापन किया जाएगा। इसी बीच पंजाब के गैंगस्टर लखा सिधाना ने एक वीडियो जारी किया और सरकार को चेतावनी देते हुए सिद्धू के समर्थन की बात कही। फिलहाल पुलिस लखा सिधाना समेत हिंसा में शामिल सभी आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं गणतंत्र के गुनहगार दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से पूछताछ चल रही है। पुलिस इन सभी के बयानों को वेरीफाई कर रही है कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दीप सिद्धू ने पूछताछ में ये माना कि 25 जनवरी की शाम को वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद था। इतना ही नहीं, 25 जनवरी को ही ये तय कर लिया गया था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर जो रैली है वो लाल किले तक जाएगी। 26 जनवरी की सुबह
दीप सिद्धू के पास कई फोन आते हैं, दीप सिद्धू ने ये कहा, जिसमें ये कहा गया कि आप लाल किले पर आइए, जिसके बाद दीप सिद्धू अपने 3 साथियों के साथ एक कार लेता है और उसके बाद वो लाल किले की तरफ निकल पड़ता है। सुबह 11 बजे के करीब दीप सिद्धू लाल किले पर पहुंचता है और वहां से फेसबुक लाइव करता है, लेकिन जैसे ही वहां पर हालात खराब होते हैं, दोपहर ठीक 12 बजे के बाद दीप सिद्धू मोटरसाइकिल पर बैठकर लाल किले से फरार हो जाता है और उसके बाद वो हरियाणा चला जाता है। रात 12 बजे तक की दीप सिद्धू की लोकेशन हरियाणा में मिलती है और उसके बाद दीप सिद्धू अपने फोन को बंद कर देता है, स्विच ऑफ करके उसे फेंक देता है।